हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है, विच काइंड ऑफ द गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इंटू कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म। मतलब किस तरीके के गार्बेज को, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, किस तरीके के कूड़ा करकट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं रेड वॉर्म से, किसमें, कंपोस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, जैसे कि हमारे घर में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से हमें आप क्या करना है, मटेरियल बताना है कि किसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ, पॉलीथीन बैग, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैप, नेल्स, ब्रोकन टॉयज आर नॉट कन्वर्टेड इन कंपोस्ट बाय द रेड वॉर्म। ठीक है, रेड वॉर्म जो पीस ऑफ क्लॉथ होते हैं ना, जो कॉटन के होते हैं वो तो हो जाते हैं, बट जो कुछ है ना प्लास्टिक, जो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं वो नहीं होते हैं कन्वर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम रेड वॉर्म के थ्रू कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनाइज्म बिसाइड रेड वॉर्म इन योर पिट? इफ़ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस। आपने देखा है कई ऑर्गेनाइज्म को जहाँ पे रेड वॉर्म, जैसे कि जहाँ पे कोई भी चीज़ सड़ती गलती रहे, अगर देखा है तो उसका नाम बताओ और उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो हमने देखा है ना कूड़े में लगभग हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है, अर्थ वॉर्म्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट दिखाई देते हैं, आंट दिखाई देते हैं, मिलीपीडीज दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कूड़े में दिखाई देती हैं। अब इसकी पिक्चर भी आपको ड्रॉ करनी है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ऐसे एक पिक्चर ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है इसके सेक्टर्स बना देने हैं, और उसके बाद क्या करनी है, आपने बहुत सारे इसके पैर बना देने हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, मिलीपीडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है हमें, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है, इस गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली द गवर्नमेंट। गार्बेज को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है, कि गार्बेज को है ठिकाने लगाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी और कोई नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो नो, क्या है, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है ये काम, बट एवरी वन इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द गार्बेज डिस्पोजल। हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, हर एक इंसान, हर एक लोग रिस्पॉन्सिबल है गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, वी शुड द बिफ्रिकेट वेट एंड ड्राई वेस्ट, रिसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एंड वी शुड आल्सो रिड्यूस द अक्यूमुलेशन ऑफ द गार्बेज इन आवर हाउसेस एंड स्ट्रीट। तो क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या अलग करना चाहिए, वेट और ड्राई वेस्ट को अलग अलग कर देना चाहिए, जो चीज़ें रिसाइकल होती है उनको अलग रखना चाहिए, जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं उनको अलग रखना चाहिए। इस तरीके से हमें जो है गार्बेज का संचय करके, मीन्स इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज। तो यस, पॉसिबल है रिड्यूस करना प्रॉब्लम को, डिस्पोज करना, गार्बेज को डिस्पोज करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ द गार्बेज बाय द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। वी कैन डू इट बाय द प्योरिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट वेस्ट एंड आल्सो बाय द रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल। अगर आप गार्बेज को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके घर में जो भी गार्बेज होता है उसको अलग अलग करना होगा, अलग अलग इकट्ठा करना होगा वेस्ट को, जो रिसाइकल होना हो तो उसको रिसाइकल के लिए दो और जिसको डिकम्पोज होना हो उसको डिकम्पोज में दो। ठीक है, इस तरीके से हम पॉसिबल कर सकते हैं डिस्पोज करने में, जो गार्बेज की जो डिस्पोजिंग प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कि जो रिसाइकल होते हैं उसको रिसाइकल कर लें। ठीक है, जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं उनको ही सिर्फ हमें डिस्पोज करना होगा, है ना, जिसमें 4R प्रिंसिपल आपने पढ़ा है ना, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, है ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। क्या करते हो अगर आपके घर में कोई खाना छूट जाता है तो। लेफ्ट ओवर फूड कैन बी कंट्रोल्ड एंड द यूज टू द फॉर्म कंपोस्ट। लेफ्ट ओवर फूड जो भी होता है हम क्या करते हैं, कैन बी, सॉरी, लेफ्ट ओवर फूड कैन बी
कलेक्टेड, हमने लेफ्ट ओवर फूड को कलेक्ट करना है एंड यूज टू द फॉर्म कंपोस्ट, और उसको हमने किस फॉर्म में कर देना है, यूज़ करना है कंपोस्ट की फॉर्म में। कंपोस्ट मीन्स खाद होती है, ठीक है। जो कंपोस्ट होती है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि किसके लिए नेसेसरी होती है, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो हम लेफ्ट ओवर फूड से क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और इससे हमारे जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट ओवर फूड में उसकी बात हो रही है जो कि खराब हो गए हैं, जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन है इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ द ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको और आपके फ्रेंड को दो चीज़ें चॉइस के लिए दी गई है, एक प्लास्टिक की प्लेट दी है और एक बनाना लीफ दी है, ठीक है, तो अब आप बताओ आप क्या प्रेफर करोगे इनमें से और क्यों करोगे। तो देखो, वी वुड प्रेफर टू ईट फूड एंड बनाना लीफ प्लेट बिकॉज इट एक्ट एज ए हार्मलेस सब्सटेंस विच हेल्प टू फॉर्म द मैन्यूअर बाय द प्रोसेस ऑफ द कंपोस्टिंग। हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे बनाना लीफ प्लेट्स का। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, मैन्यूअर में चेंज कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। वहीं अगर हम प्लास्टिक प्लेट की बात करें, कैन नॉट बी कन्वर्ट इन टू द हार्मलेस, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सटेंस बाय कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में प्लास्टिक प्लेट आर नॉट डिग्रेडेबल, हैंस कैन द प्रसिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। प्लास्टिक प्लेट जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए हम किस में खाएंगे, हम पसंद करेंगे बनाना लीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट पीसेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच दीज कैन बी रिसाइकल। आपने अलग अलग पेपर को कलेक्ट किया है, अब ये बताओ इनमें से किस किस को आप रिसाइकल कर सकते हो। तो पेपर सच एज न्यूज़पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं ना, न्यूज़पेपर की रद्दियाँ आप देते हो ना, ठीक है। नोटबुक, मैगजीन, ये सब हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर शाइन कोटिंग जो पेपर होते हैं वो रिसाइकल नहीं होते, जो आपने देखा होगा शाइन मारते हैं, ठीक है, आप प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हो, वो रिसाइकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ए लेंस लुक एट द पीसेस ऑफ पेपर यू आर कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन। मतलब एक लेंस की मतलब हेल्प से आपने क्या है, पीस ऑफ पेपर कलेक्ट करा है, करना है ऊपर जो क्वेश्चंस दिए ना, कि मतलब पीस ऑफ पेपर डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। डू यू सी एनी डिफरेंट इन द मटेरियल ऑफ द रिसाइकल पेपर एंड न्यू शीट ऑफ द पेपर। आपने अलग अलग बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए, अब आप जो है यहाँ पर कलेक्ट करने के बाद इसमें आप देखो कि एक तो पेपर रिसाइकल होके आया है, वो आपने यूज़ किया है, एक जो है फ्रेश पेपर यूज़ किया है, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यस, रिसाइकल पेपर इज़ यूजअली थिक और रफ़। जो रिसाइकल किया हुआ पेपर होता है वो थिक होता है और रफ़ होता है व्हेन कंपेयर टू ए न्यू शीट ऑफ पेपर। आप अपनी नोटबुक के न्यू शीट पेपर देखो, और जो न्यूज़पेपर के पेपर होते हैं या रिसाइकल की हुई कई नोटबुक होती हैं, वो थोड़ा सा सस्ती आती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, रिसाइकल किए हुए पेपर होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच ईच वन वाज द यूज, डिस्कस इन ग्रुप। आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है अलग अलग पैकिंग मटेरियल और किस पर्पस के लिए यूज़ किया है, इसको ग्रुप में डिस्कस करना है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज कॉमनली आर शूज़, शॉप, जो भी सॉप, ठीक है, एक मिनट, शूज़, सॉप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस, ये सारे अलग अलग बॉक्सेस इसके जो होते हैं, शूज़ जिसमें होते हैं, सॉप साबुन होते हैं, बल्ब होते हैं इसके बॉक्सेस, टॉय कवर, सारी बैग, शॉपिंग बैग, स्कूल बैग, ठीक है, और उसके बाद वेजिटेबल्स बैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे पैकिंग मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। हम कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें हम पैकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तो हमने बोला इतनी सारी पैकिंग मटेरियल होते हैं ना, तो पैकिंग ऑफ टॉयस, क्लॉथ, शूज, चॉकलेट कैन बी रिड्यूस। अगर हम चाहें तो इनकी पैकिंग को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्लॉथ वगैरह, शूज़ वगैरह हम अपने घर से बैग लेके जाएं और उसमें रख के ले आएँ, तो इसकी पैकिंग में जो वेस्ट हो रहे पेपर वगैरह वो नहीं होगा, वेस्ट है ना। चल नेक्स्ट, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ
पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज. अब स्टोरी बताना है कि कैसे पैकेजिंग इंक्रीज करके हम गार्बेज के अमाउंट को भी इंक्रीज कर लेते हैं. ठीक है, तो वी यूज़ पैकिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स एंड आल्सो टू मेक पैकेज गुड लुकिंग. फॉर एग्जांपल, टू गिव ए गिफ्ट ऑन बर्थडे, द गिफ्ट इज़ द पैकिंग एंड द रैप इन ए शाइनी पेपर और प्लास्टिक कोटिंग पेपर. आफ्टर यूज़ द पैकिंग मटेरियल इज थ्रो इन द डस्टबिन. क्या करते हो आप पैकिंग करने के लिए, आपने आर्टिकल को या तो प्रोटेक्ट करने के लिए पैक करते हो या किसी को गिफ्ट देना होता है तो उसको अच्छा दिखने के लिए आप उसके ऊपर एक शाइनी पेपर को रैप करते हो और उसके बाद वो बाद में कहाँ जाता है, डस्टबिन में जाता है ना. सिमिलरली प्लास्टिक बैग कैन, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम कैन, अदर पैकिंग मटेरियल आर यूज थ्रो आउट आफ्टर यूज. और भी ये सारी चीज़ें जो कि एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह होती है, ये सारे यूज़ करो और थ्रो करो. ठीक है, मैनी थिंग्स सच एज द जैसे घी, रिफाइन ऑयल, सॉप, डिटर्जेंट, मोस्ट ऑफ द ईटेबल गुड्स आर सॉलिड इन स्मॉल पैकेट. ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें पैकेट में आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें. ऑल ऑफ द अबव सैड मिश्योर कैन हेल्प इन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द गार्बेज ड्यू टू द पैकेजिंग. तो यहाँ पर हम इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं कि अगर हम इन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दें तो हम पैकिंग को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके चीज़ें हैं उनको आप बैग लेके जाओ और उसके अंदर लेके आ जाओ तो हम उसकी पैकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं ना. तो इसलिए ऑल द अबव सेड जो भी हमने कहा है इसमें हम हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस गार्बेज को कम करने में. अगर हम पैकिंग मटेरियल अपने कम कर दें, जितने पैकिंग मटेरियल आते हैं उसको कम कर दें तो गार्बेज कम होगा. जितना पैकिंग मटेरियल होगा उतना ही गार्बेज ज़्यादा होगा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, व्हाई. आप बता सकते हैं बेटर है कंपोस्ट केमिकल फर्टिलाइजर से और क्यों. सॉल्यूशन देखते हैं. यस, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. कंपोस्ट बेटर होता है फर्टिलाइजर की जगह. तो क्या है, इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर कंपोस्ट. ठीक है, आप यहाँ पे पॉइंट्स बना लेना. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, ये क्या होता है, ये ईजीली प्रिपेयर होता है कंपोस्ट. कंपोस्ट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली एज इट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इश्यू इन ह्यूमन एंड एनिमल. कंपोस्ट क्या होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे किसी की भी हेल्थ और एनिमल में कोई भी इशू नहीं होता है. एंड कंपोस्ट विल नॉट कॉज पोल्यूशन. कंपोस्ट से पोल्यूशन नहीं होता है. कंपोस्ट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. कंपोस्ट इज़ ए बायोडिग्रेडेबल, मीन्स एनवायरमेंट से ये ख़त्म भी हो जाता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आ गए हैं. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना. चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.